हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्स एट 999 डिवाइन हेलर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम ये टॉपिक देखने वाले हैं कि आपकी शादी कब और किस उम्र में होने वाली है। ओके, तो बेसिकली आपकी एज, शादी की जो एज रहेगी कब तक होगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आपके बर्थ मंथ्स यहाँ पे मैंने रखे हैं। पहला पाइल जो है इसमें ये बर्थ मंथ्स है गाइस, और दूसरा पाइल जो है इसमें ये बर्थ मंथ्स है। ओके, पिक कर लीजिए आपके जो भी बर्थ मंथ्स रहेंगे इस दोनों पाइल में से। फिर हम देखते हैं रीडिंग की आपकी शादी कब और किस उम्र में होने वाली है। शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से। हे पाइल वन, तो अगर आपने ये पाइल चूज किया है, अगर आपके बर्थ मंथ्स इस पाइल में हैं, दैट इज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और कब होगी। ओके, तो आज स्पेसिफिकली हम एज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, एज यहाँ पे देखने वाले हैं और कब होगी वो भी हम चेक करेंगे। ओके, सो डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइए पाइल वन के शादी कब होगी और किस उम्र में होगी। पाइल वन की शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, प्लीज बताइए, प्लीज गाइडेंस दीजिए। पहला जो है एज ऑफ एयर, दैट इज एज ऑफ स्वोर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वोर्ड्स, मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्स। ओके, और यहाँ बॉटम में है स्ट्रेंथ। ओके, सो पाइल वन जिन्होंने सिलेक्ट करा है, एक सेकेंड ना, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहा है। ओके, तो पाइल वन जिन्होंने सिलेक्ट करा है, मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप जिससे शादी करोगे उसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, मेजॉरिटी लोग जो पाइल वन के व्यूवर्स हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हो जिससे आपके साथ शादी होगी, या फिर उसी पार्टनर के साथ आपकी शादी होने वाली है जिससे आप अभी रिलेशनशिप में हो। ओके, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि नो डाउट आप उस बंदे से रिलेशनशिप में हो, उस बंदे को जानते हो, लेकिन आप दोनों में दूरियां है, या फिर वो बंदा आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप दोनों में सेपरेशन है। ओके, तो ये चीज है पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि मैंने जैसे कहा कि आपका पर्सन जो है वो छोड़ के चला गया है, मूव ऑन कर चुका है वो बंदा आपके लाइफ में से, और अभी आप प्रे कर रहे हो और अभी डिवाइन से मांग रहे हो कि मेरे लाइफ में एक सच्चा पार्टनर मुझे मिल जाए जो मुझे समझेगा, जो मुझे जानेगा। तो अभी हो सकता है आपके लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करेगा। ओके, न्यू बंदा एंटर करेगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको आप भगवान से प्रे कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली पाइल वन के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे फॉर मैरिज। तो मैंने जैसे कहा कि वो बंदा मूव ऑन कर चुका है, हो सकता है वो बंदा वापस आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, वो बंदा वापस आपके लाइफ में आएगा, बिकॉज हो सकता है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है आपके पार्टनर की तरफ से, इसके वजह से वो अभी मूव ऑन कर चुका है, इसके वजह से वो अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है हर एक चीज की। लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है, मैं टाइमलाइन आपको बताऊंगी शादी की। ओके, तो मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है 6 महीने बाद वो आपको क्लैरिटी देगा कि क्या करना है इस रिश्ते में, क्या नहीं, बिकॉज अभी बेसिकली आपके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहा है पाइल वन के लोगों के लिए, ठीक है। तो वो बंदा वापस आ सकता है जो आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर आपके लिए दूसरा बंदा भी आएगा, एक फ्रेश रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, एक प्रपोजल की तरह से आ सकता है आपके फैमिली की तरफ, एक प्रपोजल
लेकर कोई बंदा आ सकता है और फिर आप दोनों में बातचीत होगी और फिर आप लोगों की शादी होगी। बिकॉज पहला ही कार्ड एज ऑफ एयर है, दैट इज एज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बता रहा है गाइस कि न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने को है। ओके तो दो ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे बिकॉज दो टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे टू ऑफ अर्थ है, तो डेफिनेटली दो ऑप्शंस आपके लिए रहने वाले हैं और दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ओके थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे आपको चूज करने के लिए, थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी क्योंकि मैंने कहा आपका पहला वाला पार्टनर है जो आपको छोड़ के चला गया है, हो सकता है वो वापस आपके लाइफ में एंटर करेगा। मैंने जैसे कहा 6 मंथ्स के बाद वो एंटर करेगा, लेकिन आप में इतनी कैलिबर होगा, आप में इतना स्ट्रेंथ डिवाइन आपको देंगे कि आप उस पर्सन को चूज करेंगे। ओके उस पर्सन को आप अपने लाइफ में चूज करोगे या फिर आप दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करोगे। ठीक है कुछ लोग यहाँ हो सकता है कि आप अपने प्रीवियस पार्टनर को ही डिवाइन से मांग रहे हो, ये रिश्ता सुलझ जाए, ये रिश्ता संवर जाए। ओके कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने प्रीवियस पार्टनर को ही मांग रहे हैं, कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सरेंडर हो चुके हैं डिवाइन पर और उन्हें वो दूसरे पार्टनर के लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है बिकॉज उनका पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, तो आप एक फ्रेश रिलेशनशिप चाहते हो अपने लाइफ में। ओके एक फ्रेश ऐसा बंदा चाहते हो जो आपकी अहमियत जानेगा, जो आपकी वैल्यू करेगा। बिकॉज आप ऐसे पर्सन हो, आप किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हो। ओके जो भी मुश्किलात आपके सामने आती है, जो भी आपको ठुकरा के चला गया है, तो आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने खुद को संवारा है, आपने खुद में एक स्ट्रेंथ लाई है, खुद में एक ऐसी शक्ति डिवाइन ने आपको दी है कि जिसके वजह से आपने बिल्कुल भी हार नहीं माना है और डेफिनेटली इसके वजह से ही डिवाइन आपके प्रेयर्स सुनने वाले हैं। ओके बिकॉज सी अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं रिलेशनशिप वाइज, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी रोने वाले में से इंसान नहीं हो, पायल नंबर वन। ओके तो जो आपके रिलेशनशिप में हुआ है वो चैलेंजेस थे या फिर जो ऑब्स्टैकल्स थे, ओके तो डेफिनेटली आपका जो प्रीवियस पार्टनर है वो पार करके आएगा। कुछ भी ऑब्स्टैकल हो सकता है, फैमिली का मैटर हो सकता है या फिर उनका जॉब या करियर का मैटर हो सकता है जिसके वजह से वो मूव ऑन कर चुके हैं और डेफिनेटली आप भी मूव ऑन कर चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पाइल वन के लोग आप भी मूव ऑन कर चुके हो और आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो आपकी अहमियत जानेगा, जो आपकी वैल्यू करेगा और इस रिश्ते को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगा। एक परमानेंट रिलेशनशिप आप चाहते हो और डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज एज ऑफ एयर यहाँ पे है। ओके तो ऐसा ही पर्सन मिलेगा जैसा आप चाहते हो, जैसे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे पाइल वन के लोग ये दिख रहे हैं कि हो सकता है अभी आप 25 एज के हो। ओके 25 प्लस ऐसी उम्र आपकी है, तो अगर आप 25 प्लस हो तो मुझे ऐसा बेसिकली दिख रहा है कि शादी थोड़ी सी लेट हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसे भी व्यूवर्स लग रहे हैं कि जो आप डिवोर्स्ड हो। ओके आप डिवोर्स्ड हो, विडोज हो और आप दूसरी शादी के लिए भी देख रहे हो और आप चाहते हो कि ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे भी एक्सेप्ट करे और मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करे। हो सकता है आप लोगों को बच्चा भी हो अपने पहले मैरिज से, तो आप ऐसे प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली वही पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। ओके तो ये बेसिकली सभी लोगों के लिए है। और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी। ओके और थोड़े से यहाँ से कार्ड्स लेती हूँ मैं और फिर बताती हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं या फिर दो ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे शादी के लिए, और आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा और थोड़े से चैलेंजेस आपके लिए हो सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूँ। ओके शादी के लिए ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ से क्या निकलता है और फिर मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ कि आपकी शादी कब होगी और कौन सी उम्र में होगी। ओके एज हम देखने वाले हैं आज, तो एज के लिए हम देखेंगे 6th चक्र। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं
जो 40+ भी हो सकते हैं, ओके, डिलेज आपकी लाइफ में हो सकता है, 35 के बाद भी आपकी शादी होगी। गाइज ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अगर आप 35-45+ हो तो डेफिनेटली आपकी शादी 4 महीनों में हो सकती है, ओके। अगर आप 25+ हो, आपकी एज कम है, तो आपकी शादी 4 साल में हो जाएगी, ओके। तो ये मत आप समझिएगा कि मैं 25+ हूँ तो डेफिनेटली 4 महीने में शादी होगी, नहीं। अगर आप एज वाइज छोटे हो तो आपकी शादी 4 साल में हो जाएगी, ओके। विक्ट्री है, दैट इज 28 नंबर कार्ड, आपकी शादी 28 तक हो जाएगी, 28 उम्र में आपकी शादी हो जाएगी और आपकी जो मैरिज रहेगी बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है, ओके। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि आपकी इंट्यूशन आपको गवाही देगी जब आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस आएंगे, ओके। ये आप नोट कर लीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कौन से पार्टनर को चूज करना है, तभी आप उसी पार्टनर से शादी करोगे, ओके। ये उनके लिए मैसेज होगा जिनके पास 2 ऑप्शंस आएंगे और आपकी उम्र अगर ज्यादा होगी है, 35+ होगी तब आपके लाइफ में आपकी इंट्यूशंस आपको बताएगी, ओके। और देखते हैं 37। मैंने कहा था कि कुछ लोगों की शादी 37 में हो सकती है, डिलेज हो सकते हैं, 35+ के बाद आपकी शादी हो सकती है, ओके। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, आपको हेल्थ या आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है गाइस, ओके। बिकॉज ये 3rd चक्रा है, दैट इज अ सोलर प्लेक्सस है, तो आपको आपके पेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, डाइजेशन आपका अच्छा रखना है, खाना पीना टाइम पर आपको खाना है, पेट के रिलेटेड आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, इसके वजह से ये कार्ड आया है। तो आपको अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है, टाइम पर आपको खाना है, टाइम पर सोना है, जिसके वजह से आपका जो डाइजेशन लेवल है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, 38। मैंने कहा था गाइस डिलेज है आपकी शादी में, ओके। पाइल वन के लोगों में डिलेज है, 35+ की बाद शादी है, दैट इज 38 में भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओके। और एक लेते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 महीनों में शादी होगी, ओके। अगर आपकी एज छोटी है तो 7 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी एज बड़ी है, 30+ है, तो 7 महीनों में आपकी शादी हो सकती है, ओके। यहाँ से भी मैं थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ, और फिर बताती हूँ कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। तो पाइल नंबर 1, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, यहाँ से टाइमलाइन दीजिए कब तक होगी। कुछ लोगों की 1 साल या 1 साल के ऊपर शादी हो सकती है, अगर आप 30+ हो, 35+ हो, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल से ऊपर आपकी शादी होगी, कुछ लोगों की 6 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी गाइस, ओके। 6 महीनों में, अगर आपकी उम्र छोटी है तो 6 साल लग सकते हैं, 25+ है तो 6 साल लगेंगे, अगेन 1 साल से ऊपर, ओके। तो 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर आपकी शादी हो जाएगी, इस टाइमलाइन में शादी हो जाएगी, ओके। कुछ लोगों की 3 महीनों में भी हो सकती है, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तो 3 महीनों में आपकी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 महीने। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हर एक टाइमलाइन हर एक मेंबर के साथ मैच नहीं होगी, हर एक व्यूवर के साथ मैच नहीं होगी, बिकॉज काफी सारे लोग ये वीडियोस देखते रहते हैं, तो हर एक किसी के लिए हर एक टाइमलाइन अलग अलग रहने वाली है। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा, अगर 1% भी रेजोनेट होता है, थोड़ा सा भी रेजोनेट होता है गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बेहद खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हो और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालते हो। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पाइल 2, तो अगर आपके बर्थ मंथ इस सेकेंड लिस्ट में आते हैं, दैट इज सेकेंड पाइल में आते हैं गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब और किस उम्र में आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स सी, सो डिवाइन यूनिवर्स पाइल 2 के लिए बताइए इनकी शादी कब और किस उम्र में इनकी शादी होगी। प्लीज मैसेज दीजिए इनकी शादी कब
और किस उम्र में शादी होगी। उपाय टू। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉटर्स, थ्री ऑफ वॉटर दैट इज थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ एयर। ओके, और यह बॉटम में है, बॉटम में है गाइस, टू ऑफ फायर। तो पाइल टू जिन्होंने सिलेक्ट किया है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हो। ओके, यंगस्टर्स इन द सेंस 22-25 इस एज के दरमियान आप हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली आप, आपकी शादी जिससे होगी आप उनको जानते हो, वो आपके लवर हो सकते हो। ओके, आप दोनों लवर्स हो सकते हो और आप ऑलरेडी उनको जानते हो और लेकिन ना आपके रिश्ते में थोड़े से चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि हो सकता है आप, आपको थोड़ा सा डर है आप दोनों को कि आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। ओके, ये आपके थोड़े से फियर है आपके अंदर और उसके वजह से आप शायद कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपका पार्टनर आपके कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा है। ओके, हो सकता है आपके कास्ट अलग हो, आपके रिलीजन अलग हो। मुझे तो यहाँ पे कुछ लोग इंटर रिलीजन भी लग रहे हैं, इंटर रेसियल भी लग रहे हैं। ओके, इंटर रेसिस रहते हैं, दूसरी कंट्री से भी रह सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं और इसके वजह से हो सकता है कि थोड़े से आपके अंदर फियर है, आपके फैमिली में आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर फियर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की फैमिली इस शादी से मंजूरी नहीं देंगे या फिर शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यही पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर होगा जो आपके, जो आप उनसे डील कर रहे हो, जो आपसे डील कर रहा है। ओके, ऑलरेडी आप किसी से रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ना, मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है पाइल टू के लोग, हो सकता है आप सेम सेक्स लवर्स हो, लेस्बियन या फिर गे। ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग वे, ऐसा होता है। ओके, आजकल बहुत एडवांस हो गया है हमारी सोसाइटी, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आप सेम सेक्स होमोसेक्सुअल हम जिसे कहते हैं LBGT, ओके, LBGT समथिंग ऐसा हम बोलते हैं, होमोसेक्सुअल, तो वो टाइप की कैटेगरी मुझे पायल टू के लोगों की दिख रही। कुछ लोग हो सकते हैं गाइज, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि आप सेम सेक्सुअल सेम सेक्स के पर्सन से डील कर रहे हो या फिर वही आपका पार्टनर है। ओके, और इसके वजह से आप थोड़े से डर रहे हो कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं या फिर फैमिली मेंबर्स आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ओके, लेकिन उसी पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी अगर आप होमोसेक्सुअल हो, बायोसेक्सुअल हो तो, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दूसरी कंट्री से बिलोंग, आपके पार्टनर दूसरी कंट्री से बिलोंग करते होंगे, तो आप मे बी कॉलेज के टाइम पे उनको मिले हो और तब से आप लोगों में प्यार हो गया है और आप अभी रिलेशनशिप में हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है आपकी लाइफ में कि जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप वेट कर रहे हो किसी पार्टनर का, तो मैं ये यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यस, आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा आएगा जो आपके फ्रेंड के थ्रू आपको आएगा, फ्रेंड्स आपको मिलवाएंगे आपके पार्टनर से, या फिर आपके फैमिली की तरफ ये रिश्ता आएगा आपके फ्रेंड्स के थ्रू। ओके, तो फैमिली की तरफ से भी रिश्ता आ सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी रिश्ता आ सकता है, आप दोनों में बातचीत होगी, आप दोनों में प्यार होगा, फिर आप शादी कर लोगे। ओके, लेकिन पाइल टू वाले मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है, अगर आप 35 प्लस हो तो बहुत आप टेंशन ले रहे हो आपकी शादी के लिए। ओके, आप इतना टेंशन, इतना वरी कर रहे हो कि आप हो सकता है आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हो।
ओके, बिकॉज आपकी शादी नहीं हो रही है और रिश्ता होते होते खराब हो रहा है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके इसके वजह से आपके दिलो दिमाग में ऐसा एक खौफ है, एक ऐसा टेंशन है, निगेटिविटी है कि जिसकी वजह से आप रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहे, आप में हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं इसके वजह से, ओके मैं कुछ लोगों के लिए महसूस कर पा रही हूँ, पाइल नंबर 2 वालों के लिए, कि मैंने जैसे कहा आपके लाइफ में एक न्यू बंदा आ सकता है, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हो, ऐसे ऐसे प्रपोजल को पकड़ के बैठे हो, ऐसे इंसान को पकड़ के बैठे हो जिसको आपको रिलीज करना है, जो आपके लिए सही नहीं है, ओके तो आपको वो पर्सन रिलीज करना है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ अपडेट नहीं दे रहा है, या फिर इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा रहा है, ओके तो आपको उस बंदे को रिलीज करना है, तभी जाके आपके लाइफ में एक दूसरा बंदा आएगा, ओके तभी जाके वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा, ओके तो वो पर्सन आपको रिलीज करना है जो ऑलरेडी पकड़ के बैठे हैं। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे पायल 2 वालों के, कि ऑलरेडी आप उस इंसान को पकड़ के बैठे हो जो रिश्ता या फिर जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, जो बंदा आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। पायल 2 वालों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप लोगों के लिए ऐसा पर्सन या फिर ऐसा लाइफ पार्टनर जिंदगी में आएगा जो दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से बिलोंग करेगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा दिख रहा है दूसरी कंट्री से बिलोंग करेगा वो पर्सन, ओके मैंने जैसे पहले दफा कहा था कि वो दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में हो सकता है, तो डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है तो आपको रिश्ता ऐसा आएगा जो दूसरे कंट्री से रहेगा, दूसरी सिटी से हो सकता है, ओके आपके सिटी में नहीं रहेगा लेकिन दूसरी कंट्री में तो हो सकता है, ओके या और फिर आप दोनों की बातचीत होगी और फिर आप शादी करोगे, ओके आप पहले जान लोगे उस पर्सन को, फिर आप उससे शादी करने वाले हो, ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मैसेजेस मिल रहा है, और मैंने जैसे कहा कि आपका जो ये पार्टनर रहेगा, न्यू पार्टनर रहेगा, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई नहीं है तो वो बंदा आपके फ्रेंड्स के थ्रू आ सकता है, या फिर आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन रहेगा, कोई पार्टी रहेगी, तभी वो बंदा आपको मिलेगा, बंदा या बंदी मिलेगी, ओके जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बंदा या बंदी आपको मिलने वाली है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए, ओके कुछ फ्यू मेरे व्यूवर्स रहेंगे जो होमोसेक्सुअल है, बायोसेक्सुअल है, ओके सेम जेंडर से प्यार कर रहे हैं और आप दोनों शादी करने की सोच रहे हो, लेकिन कुछ सोसाइटी का इशू है, कुछ फैमिली इशू है जिसके वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो, ओके पाइल 2 वालों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, हो सकता है आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ओके आपके लिए 2 मैरिज प्रपोजल्स आएंगे और उसमें से आपको एक को चूज करना है, बिकॉज मैंने कहा कि हो सकता है आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और उसी बंदे को आप पकड़ के बैठे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए दूसरा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको प्रीवियस पार्टनर को रिलीज करना है, तभी जाके वो बंदा आपके लिए आएगा। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे सारे सिनेरियोस क्लियर कर दिए हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल्स है, उनके लिए भी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, ओके तो जैसा आपको रेजोनेट होता है गाइस, वैसा ही आप लीजिए, ओके बिकॉज काफी सारे लोग ये वीडियोस देखते रहते हैं, तो हर एक लोगों के लिए हर एक मैसेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़े से और मैसेजेस मैं लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपकी शादी कब और कौन से एज में होगी। बेसिकली मुझे पाइल 2 वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी 30 के बाद ही होगी, ओके 30+ के बाद ही होगी शादी, इतना डिले तो नहीं लग रहा है, लेकिन 30 के बाद ही मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिख रहा है आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के लिए बताया कि आपके पार्टनर, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके जो पार्टनर दूसरे कंट्री में हो सकता है, दूसरे सिटी में हो सकता है, तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा सा डिले रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया आपको ऑब्स्टेकल्स है आपके लाइफ में, ओके तो 30 के बाद आपकी शादी हो सकती है, ओके 26 में आपकी शादी हो जाएगी,
आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वेट कर रहे हो, तो 26 में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि ऑब्स्टेकल्स है आपके लाइफ में, आपकी शादी रिलेटेड थोड़े से ऑब्स्टेकल्स रहेंगे सोसाइटी की तरफ से, और हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ऑब्स्टेकल रहेंगे, तो आपको बहुत ही जुगाड़ करना है या फिर बहुत ही स्ट्रगल करना है आपकी शादी के लिए। हॉस्टिलिटीज का कार्ड मुझे ये बता रहा है। तो 26 में आपकी शादी हो सकती है, 33 में आपकी शादी हो सकती है, मैंने कहा था 30+ के बाद होगी। तो 33 में आपकी शादी हो सकती है, और डेफिनेटली डोर टू रोमांस है, तो डेफिनेटली बहुत ही रोमांटिक आपकी शादी, बहुत ही रोमांटिक शादी होने वाली है, रोमांटिक वे में आपकी शादी होगी और बहुत ही रोमांस रहेगा आफ्टर मैरिज। और देखते हैं, 31 में आपकी शादी होगी, डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली आपका पार्टनर ऐसा रहेगा कि आपको हर एक मोड़ पे आपकी वैल्यू समझेगा। हर एक मोड़ पे आपकी वैल्यू समझेगा। थिंकिंग वुमेन ऐसा पर्सन रहेगा, फिर ऐसी लाइफ पार्टनर आपकी रहने वाली है जो हमेशा आपके बारे में सोचेगी। कभी भी आपको अलग ट्रीट नहीं करेगी। कभी भी हमेशा हमेशा आपके बारे में ही सोचेगी, हमेशा आपके बारे में ही ख्याल रखेगी। वो बंदा हो या बंदी है, आपको सिर्फ एनर्जीज लेना है, हमेशा आपके बारे में ही सोचेगी वो। या सोचेगा। यहाँ पे कुछ लोगों की 11 महीने में शादी हो सकती है गाइस। 47 मतलब इसका टोटल होता है 11, तो 11 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोगों की यह 47 में भी शादी हो सकती है। अगर आप मेल वीवर है तो डेफिनेटली आपकी शादी 47 में होगी। लेट डिले भी हो सकता है गाइस। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ करियर का ये रहता है, तो डेफिनेटली डिलेज हो सकते हैं, तो इसके वजह से मैंने कहा 47 में। अगर आप मेल वीवर है तो आपकी शादी 47 में होगी या फिर 47 एज में आप शादी करोगी। 29 में आपकी शादी हो सकती है, और ऐसा पार्टनर रहेगा, मैंने कहा था कि ऐसा पार्टनर रहेगा कि आपको वर्ल्ड वाइड टूर करेगा, या फिर उसका बिजनेस ऐसा रहेगा कि वो वर्ल्ड वाइड जाता रहेगा। डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिटी में जाता रहेगा। वर्ल्ड घूमता रहेगा, ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है। और यहाँ से थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ, फिर और जानकारी मिलेगी कि कब आपकी शादी होगी। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज बताइए डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स उनकी शादी कब और होगी। 3 महीनों में कुछ लोगों की शादी होगी। अगर आपकी उम्र छोटी है गाइस, अगर आप 25+ हो या फिर 25 आपकी उम्र है, 22-25 उम्र है, तो डेफिनेटली 3 साल के बाद आपकी शादी होगी। अगर आप 30+ हो, 35+ हो, तो 3 महीनों में आपकी शादी होगी। और लेते हैं, कुछ लोगों की 9 मंथ्स में शादी होगी, अगेन 3 मंथ्स। अगर आपकी उम्र कम है तो डेफिनेटली 3 महीनों में आपकी शादी नहीं होगी गाइस। ये जान लीजिए। कुछ लोगों की 8 महीने में शादी होगी। कुछ लोगों की 3 महीने, कुछ लोगों के लिए यहाँ 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल पाई नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट करेगा। अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट होता है, 1% भी रेजोनेट होता है गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।